राणा सनाउल्ला और अता तारण, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाए। अब ये तो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं, हमें नहीं पता और कितने MPAs हैं जिनके साथ रابطہ जो है वो किया गया है। आसिफ सरदारी, राणा सनाउल्ला और अता तारण को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहाँ पैसों के ज़रिए जमहूरियत चलनी है तो कैसे मामला ठीक होंगे? जमहूरियत और सियासत में पैसों का लेन देन ख़त्म होना चाहिए। चौधरी शुजात के इनकार के बाद ही रेट बढ़ाए गए। जरदारी जो पैसे ऑफर कर रहे हैं ये इनका नहीं, सिंध के आवाम का पैसा है। नाले खोलने के लिए पैसे नहीं लेकिन अरकान खरीदने के लिए हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ बददुआएं देने लगे, कहते हैं कि अगर आपके MPA को पैसे की ऑफ़र की हो तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, अगर आपने झूठ बोला है तो आप पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को इस्तीफ़ा दिया था। फवाद चौधरी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी के हलके PP7 के नतज रोक लिए गए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करे। अदालत का हुक्म, इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग से इनकार किया। हमजा शहबाज के अरमानों पर छुरी फिर गई। चौधरी शुजात ने तमाम दावों की तर्दीद कर दी। पॉलिसी बयान में कहा कि परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं, जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, गिनती के चक्करों से निकला जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हमारा नंबर गेम पूरा है, परवेज इलाही मुश्तरक उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला के इंतखाब से पहले जो तोड़ तेज़ चीना ग्रुप ने परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ग्रुप के अराकीन की तादाद 14 से 20 हो गई। PTI और काफिले के अरकान लाहौर के मुकामी होटल में पहुंच गए। होटल में 200 कमरे बुक कराए गए हैं। पार्लियामानी इजलास में 176 अरकान शरीक हुए, बाकी अरकान बीमारी और दूर होने की वजह से शिरकत ना कर सके। लाहौर, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कारियां के इलाके हीरापुर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नशीबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध में 23 जुलाई से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। अमेरिका और यूरोप में सूरज कहर ढाने लगा, हीट वेव से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 1700 से ज़ायद अफराद तुकमा जल बन गए। पुर्तगाल में 1000 से ज़ायद, स्पेन में 500 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड। अमेरिका, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन और यूनान के जंगलात में आतिशबाजी। करीबी मकानात भी आग की लपेट में आ गए, हज़ारों अफराद का इनकला। और गोल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेटों से यादगार फतह। कौमी टीम ने भरपूर अंदाज में जीत का जश्न मनाया। तालियों और पुरजोश नारों की गूंज में अब्दुल्ला शफीक ने मोहम्मद नवाज के हमरा केक काटा। खिलाड़ी केक पर हरीफ टीम समझकर हमला आवर हुए। ग्रीन कैप्स चंद मिनटों में ही केक चट कर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।